considered as landmark in the history of the Kashmiri Sikhs. In 1947, during the partition, two seats, for Sikh community, were reserved for the Sikhs living in the valley in upper house of the Legislative Assembly. इस बीच साढ़े त्राल का भी सरदार गुरबंत सिंह पाली राजपुरे वाला होता सी और हरभजन सिंह जी होता सी बारामूले ना दो सीटा हो गया सर साढ़े साढ़े को कश्मीर दी इंडिया कहानी है पता है कि किवें गुरु साहब का जिहड़ा इत्थों भेजिया शहर दे विच कीड़े पै गए गुरु साहब ने कहा जदों मैं मंगदा सी ते तुसी मैनूं उदों मना कर दित्ता दित्ता नहीं ते जे तां बोले पानी के बोहेट श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में विराजमान श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की गल इतनी हुई फिर वो गुरु साहब के विचारों को प्रभावित हुए अज सारा परिवार जरा बैठा है उन्होंने प्रचार की सब तो पहला धन्यवाद करना है सर मनजीत सिंह भोवा जी का सर सरबजीत सिंह जम्मू जी का डॉक्टर जोगिंदर सिंह शान जी का मास्टर पुष्पिंदर सिंह जी प्रेजिडेंट गुरद्वारा टिब्बी साहब साध अवतार सिंह जी प्रेजिडेंट बारामूला गुरमुख सिंह दत्ता जी सुरेंद्र सिंह तालपुरा जी साहब गुरबख्श सिंह जी ते हाजिर सारे भैन ते भराओ तुसी मेरा सत्कार किया ते मैं तुहाडा धन्नवाद करदा तुसी मेरे ते विश्वास भी किया मैं कोशिश करांगा तुहाडे विश्वास के उत्ते खरा उतरा सिख कौम दियां बहुत सारिया समस्यावां लेकिन जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास भी है मेरे तो पहला बुलारे दस रहे थे कि किस तरह गुरु नानक देव साहब नाल गड्ढे लद के लै जाण वाले पंडित ने चर्चा की थी वो तुहाडे बजुर्ग से पड़ पड़ गड्ढे गड्ढी इन 1947 पार्शन of India, more than 33,000 Sikhs lived their lives in Muzaffarabad, Baramula and Badgaon for the integrity of the India. Parliament of India has given ST status to Pahari people and two seats reserved for Kashmiri Pandits. वही वेलकम दो स्टेपस असी इसी की मुकाबला नहीं कर रहे वही वेलकम दो स्टेपस टेकन बाय मोदी गवर्नमेंट बट द सिख कम्युनिटी लिविंग इन द कश्मीर हैज बीन इग्नोर्ड एंड सिंस थिंग्स हैपन विद द सिख कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड द सेम थिंग हैपन्स विद द सिख कम्युनिटी ऑफ द जम्मू डिवीजन ओवर डिवाइड through this memorandum is to kindly reserve two seats for Kashmiri Sikhs and two seats for Jammu-based Sikh community in the state legislative assembly. Minority status bill has been passed by the Parliament of India and has been implemented throughout India except JKUT मैनॉरिटी की जी स्टेटस है वो सारे इंडिया में चल रही है बगैर सारे जम्मू कश्मीर के ओवर डिमांड इज दैट मैनॉरिटी स्टेटस बिल बी इंप्लीमेंटेड इन JKUT आल्सो द सिक्स ऑफ द ट्रॉल कॉलेजन सी शुड बी ग्रांटेड बैकवर्ड स्टेटस एंड वी लिव इन हिली प्लेसेस
why there is no facility available for the uplift of the trolley seekers. मैं बेनती करा कि 1979 तो मैं जम्मू कश्मीर नाल जुड़िया होया ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के झंडे हेठ पूरे जम्मू कश्मीर दे विच विकास हो रहा है। ये बताइए आपके जो अपने सरदार भाई यहाँ कश्मीर में रह रहे हैं, काफी अरसे से उनकी एक डिमांड है रिजर्वेशन की, क्या सबके साथ सबके विकास प्रोग्राम में इनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन गायब क्यों है सर? बात यह है कि समाज में ना कभी समस्याएं खत्म हुई हैं और ना ही कभी मांगे खत्म हुई हैं। मांग होती भी है, पूरी भी होती है। जो ये मांग रहे हैं हो सकता है इससे ज्यादा मिले। हम इनके वकील हैं, इनके लिए काम करते हैं। सबको यह भी ये खड़ग बुझा है कश्मीर की, इन्होंने कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं, ये डिजर्व करते हैं, इनको इज्जत मान और रिस्पेक्ट दी जाए, उसके लिए हम काम करेंगे। सर ये बताइएगा जिस तरीके से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 5 जो है साल से जो है इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो क्या कुछ अंदरूनी खाना चल रहा है? लोग भी डिमांड कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी डिमांड कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है इस बारे में ज़्यादा या खासकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह है कि यहाँ अमन शांति आई है, यहाँ लोग खुशी से रह रहे हैं। मैं रात कम से कम 3 घंटे डल में रहा हूँ, देखा है कैसे आराम से लोग जीवन जी रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इज देयर टू एस्टेब्लिश पीस एंड टू सी दैट देयर इज ए डेवलपमेंट इन द कंट्री। 75-76 साल पूरे हो गए, अभी तक कश्मीर को जन्नत से हम दोजख की तरफ तो लेने की बात कर रहे हैं, जन्नत इस जन्नत को सारी दुनिया में जन्नत बना दें, इसके लिए हमें काम करना होगा। मोदी सरकार उसके लिए काम करेगी। क्या था इसमें नेशनल जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी यहाँ पर आ गए हैं, कितना आप जो है मुतमइन है कि जिस तरीके से माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है मोदी सरकार और इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए ऐसा है कि सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरी यहाँ आए, जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो हमने उनके सामने कुछ बातें रखी, कुछ वो बातें रखी जिनमें हमारी कौम के साथ ज्यादती हुई है, कुछ नई बातें भी रखी, कुछ पुरानी बातें भी दोहराई। तो सबसे बड़ी बात है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो सारे इंडिया में लागू हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, तो उसमें बात हुई। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटर असेंबली, वो उसमें बात हुई कि अगर आपने कश्मीरी पंडितों को दी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी फरीक हैं कश्मीर के, हम भी माइनॉरिटी में हैं, उसमें हमें भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। तीसरी बात यह हुई कि माइनॉरिटी बच्चियों के लिए एक कॉलेज दिया जाए, तो ऐसे कुछ हमारे अपने भी इशू थे धर्म से वाबस्ता, या हमारे भी कुछ गिले थे मोदी सरकार से, क्योंकि बहुत सालों के बाद यहाँ एक ऐसी सरकार आई थी जो कांग्रेस के मुतबादल थी, तो हमें उम्मीद थी कि ये सरकार हमारे लिए भी काम करेगी, सिख कौम के लिए भी काम करेगी। तो जो अभी लालपुरा साहब के साथ बात हुई, हम पुरुमेद हैं, और उन्होंने वादा भी किया गुरु ग्रंथ साहब के सामने, गुरु के सामने, कि जो आपने हमें मेमोरेंडम दिया मेन ऑन, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये मेन ऑन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम सोचेंगे कि मोदी सरकार ने हमें बहुत बड़ा इंसाफ दिया है और इज्जत अफजाई की है।